हेलो फ्रेंड्स, सो आर यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ D++B? इफ़ यू डोंट देन प्लीज़ डू वॉच द वीडियो एंड लिसन केयरफुली बिकॉज आई एम रीडिंग दिस D++B नोटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डेफिनेटली आई विल गो थ्रू द एंटायर PDF. सो we will be better aware about the examination, its eligibility and what are the other conditions of it and everything about it. Okay, so first thing we have to note that ki if you seeing this video later date, so you can confirm that it is published on this date 2023 ka December mein published hua tha. Bahut din ho gaya publish hona, aaj 12th tarikh hai, theek hai, जनवरी का. ऐसे फॉर्म फिलअप जो है रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जैसे कि 9 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, ठीक है. अब इसका क्लोजिंग डेट देख लो तो फरवरी में क्लोजिंग होगा, 7 फरवरी को आपका फॉर्म फिलअप क्लोज हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर PGT जियोग्राफी हम बात करेंगे, PGT जियोग्राफी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे. तो चलिए देखेंगे कि सीट कितना है, क्या है, नहीं है, सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे. तो देखो D++B का फुल फॉर्म पहले जान लो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ओके, सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ओके. इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगेंस्ट वैकेंसीज, ये सारे वैकेंसीज है, ठीक है. तो हम सीधा जियोग्राफी में जाएंगे तो देखो यहाँ पर मेल फीमेल करके दिया हुआ है, मतलब अलग अलग करके, ये एक अच्छी सिस्टम है ना, मेल के लिए अलग फीमेल के लिए अलग, मतलब पूरा डिजर्व हो गया सीटें ऐसे करके बोल सकते हो, या फिर एक 50-50 बन गया. तो यहाँ पर है हमारा जियोग्राफी, PGT जियोग्राफी मेल, PGT जियोग्राफी फीमेल. तो देखो क्या ये पे स्केल है, आई थिंक 8 जो है ये पे लेवल है, वाओ, सो दैट इज़ ग्रेट, ठीक है. TGT में शायद 7 है, और तो बाय द वे, तो देखो यहाँ पर सीट कितना है देख लेते हैं. पहले आपका कैटेगरी है अनडिजर्व, उसके बाद होता है OBC और SC ST EWS देन टोटल, ठीक है. तो आपका कैटेगराइज आप देख लो, हम पहले देख लेते हैं एक बार, तो एक बार सारी चीज़ देख लेते हैं. तो देखो आई थिंक ये वाला था आपका क्या अनडिजर्व, तो 7 है मेल का, और देन OBC था 8 है, बाकी 0 है SC ST, सॉरी हाँ SC ST 0 है, और EWS के लिए 5 है, यस. सो टोटल आपका बनेगा 20, ठीक है, 20 आपका टोटल बनेगा, और 20 आपका टोटल है, ठीक है, मेल के लिए. और जो है PGT जियोग्राफी फीमेल, तो यहाँ पर ओनली 1 सीटें हैं. अच्छा, इतना फिर तो 50-50 नहीं हुआ भाई, मतलब ये पता नहीं क्या सिस्टम है, बाय द वे. तो ये देखो अनडिजर्व कैटेगरी में PGT फीमेल, तो आपको एक ही सीट है फीमेल के लिए, बाय द वे. अच्छा, यहाँ पर और एक भी है क्या PGT जियोग्राफी, और एक विषय देखो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, एक हो गया अनडिजर्व, देन OBC, देन ये. तो यहाँ पर मेल फीमेल कुछ है नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, ये बहुत सारे डिविजन्स है, तो मतलब इसका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और 2 डिविजन है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ओके, पता नहीं क्या डिफरेंस है, बाय द वे. तो हमने देख लिया लगभग मेल के लिए 20 सीट है, और कैटेगरीज तो और भी कम होगा डेफिनेटली, तो जनरल के लिए 7 है, OBC के लिए 8 है, और EWS के लिए 5 है, इतना. और PGT जियोग्राफी फीमेल के लिए 1 है, और PGT जियोग्राफी यहाँ पर और 3 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है. तो कैसे अप्लाई कर पाओगे या फिर वो तो नहीं पता, देखना पड़ेगा, ठीक है. हम मोटा मोटा देख ली कि सीट इतना इतना है. अब देखो कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, तो ये तो ठीक है. 7 फरवरी आपका लास्ट डेट है, यहाँ पर भी लिखा गया है, देख लो अच्छे से, याद रख लेना, कहीं पर नोट कर लो. अगर आप एक, मैं तो कहूँगा कि आप एक व्हाइट बोर्ड रखिए आपकी स्टडी टेबल के सामने, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख कर रखेगा, या फिर आप स्टिकी नोट यूज़ कर सकते हो. वरना क्या होता है कि दिमाग में हम रखते हैं, या फिर ये दिमाग में प्रेशर डालता है, या फिर हम बाद में भूल जाते हैं, या फिर हम अभी जल्दबाजी में करने के लिए बहुत सारा काम को छोड़ के इसके पीछे पड़ जाते हैं. ऐसे करते हैं तो आपका टाइम जो है, आपका डेज जो है, उसको शेड्यूल कीजिए, ठीक है, प्लान कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए. बताऊंगा मैं कभी अगर टाइम मिला तो कि किस तरीके से आप, मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारे चीज़ डेट को प्लान करने के लिए होते हैं. बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी के लिए मेरा डेज जो है, या फिर प्लानिंग जो है, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है,
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। बाय द वे, ये थोड़ा अलग से बात आपको बता दिया। चलिए, तो यहाँ पर आपका वेबसाइट है, ये वाला वेबसाइट DSSBOnline.NIC.in। यहाँ पर जाकर आपको सारी चीज़ें करना पड़ेगा। एक चीज़ जो अच्छा लगा है मेरे को बहुत, तो मैं बताता हूँ बाद में जाकर। तो देखो आप, मैं हम जियोग्राफी सर्च करेंगे और क्वालिफिकेशन वगैरह एक बार देख लेंगे क्या लिखा है नहीं है, ठीक है। तो जियोग्राफी हमने सर्च किया और ये हमको मिल गया, देखो मेल फीमेल या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जियोग्राफी, ठीक है। यस, तो देखो ये डायरेक्टर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, ये मेल है, ओके। और टोटल वैकेंसी हमारा था कितना, 20 था, ओके। नाउ देखो बैकलॉग वैकेंसीज भी है, तो कैटेगरी ए बी सी ये क्या है पता नहीं, ओके। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो, एसेंशियल है मास्टर्स डिग्री इन दी सब्जेक्ट कंसर्न जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में आपको मास्टर्स होना ही चाहिए। डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड आई थिंक। आज देखो क्वालिफिकेशन मेंशनड इन सीरियल नंबर 2, यहाँ पर एक देखो कितना मतलब फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी चीज़ें है यहाँ पर, बट पता नहीं अच्छी है ये बुरी है, क्योंकि मेरे पास तो पीएचडी है नहीं, तो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, और एजुकेशन हेरिटेज है डेफिनेटली। तो यहाँ पर बोला क्या गया, अरे यार सॉरी, हाँ तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखो क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स। तो आपका डिग्री पे इन एजुकेशन नहीं चाहिए, अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिविजन, या फिर आपके पास पीएचडी भी नहीं है और बीएड भी नहीं है बट तब भी आप एलिजिबल हो, या फिर आपको कंसीडर किया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है ना। बट हम अभी तो काम का ले है नहीं, तो देखो ये शायद पहले मैंने नहीं देखा था क्या, तो आई थिंक ये पीजीटी लेवल के लिए है, इसलिए शायद ये फैसिलिटी है, आई थिंक टीजीटी में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि मैंने बाद में कहीं एक बार चेक किया था, जब मेरा बीएड नहीं था तो वहाँ पर लिखा था शायद कुछ टीजीटी लेवल का होगा शायद, तो बाय द वे लीव इट अभी के लिए। तो देखो एक बार बोला है कि अगर आपका फर्स्ट डिविजन है इन हायर सेकेंडरी एंड डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, मतलब बीए एमए या फिर यूजी पीजी में और हायर सेकेंडरी में आपका फर्स्ट डिविजन है, तब भी आप एलिजिबल होंगे, अगर आपके पास बीएड भी नहीं है और पीएचडी भी नहीं है। बट एक कंडीशन यहाँ पर रखा है कि विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस। आपको ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग के बाद 3 ईयर्स के अंदर आपको बीएड कंप्लीट कर लेना है, तो डेफिनेटली आई थिंक इंस्टीट्यूशन से कुछ आपको भेजा जाएगा या फिर जो भी है प्रोसेस रहेगा वो कर लेना होगा। अब देखो एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो आपको देखो एसेंशियल तो नहीं चाहिए, मतलब डिज़ायरेबल बोला है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप एलिजिबल डेफिनेटली हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, ठीक है, प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको, तो ये बात है। तो देखो एज लिमिट जो है बिलो 36 ईयर, तो आई थिंक 36 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो फीमेल के लिए वही सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो भी है सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पर और एक है कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तो यहाँ पर भी देखो सेम ही जो है वे है। और यहाँ पर और एक कंडीशन ऐड किया गया, देखो हाँ, कि दोज अपॉइंटेड टीजीटी लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विथ 10 ईयर्स टीचर एक्सपीरियंस है टीजीटी और एलटी इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या बोला है, मतलब अच्छा, जिन्होंने अपॉइंटेड है ऑलरेडी एज ए टीजीटी वो भी एलिजिबल है इस पीजीटी लेवल के लिए। यहाँ पे बोला गया कि दोज अपॉइंटेड टीजीटी और लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विथ 10 ईयर्स टीचर एक्सपीरियंस टीजीटी और एलटी इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ये समझ में आएगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे लेफ्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जियोग्राफी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी था देख लिया, बाकी तो बाकी सब्जेक्ट के लिए है, तो हमारे से कोई मतलब की नहीं है। तो हम नीचे जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें को एक बार गो थ्रू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है बाकी। हाँ यहाँ से, तो यहाँ से देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 पॉइंट है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब मैंने आसाम का नोटिफिकेशन देखा था तो वहाँ पर ऐसा लिखा था कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सिटीजन ऑफ आसाम, मतलब वहाँ पर सिर्फ आसाम का ही सिटीजन एप्लीकेबल होंगे, बट यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये एक बात क्लियर हुआ कि आसाम के लिए हम एलिजिबल नहीं था, मैंने गलत इंटरप्रिटेशन किया था, ठीक है। तब 2 नंबर में देखो, दी कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सारे तो आपको होना ही चाहिए। हर दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 7/2/24, मतलब फॉर्म फिलअप के बंद होने से पहले आपका सर्टिफिकेट सारे वगैरह आपके पास होना चाहिए उस डेट के पहले, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, ये तो आप क्या ही बताओ,
वेबसाइट में जाना, बाकी सब आप कर लोगे। देखो एप्लीकेशन फ़ीस, ये सबसे बेहतरीन चीज़ लगा मेरे को। देखो एप्लीकेशन फ़ीस क्या कितना है, ओनली 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़। मतलब कितनी अच्छी बात है भाई, आप कर दो, ठीक है सारे लोग कर दो। बट यहाँ पर एक चीज़ आई थिंक, ये जो एग्ज़ाम होगा ना, ये आपको शायद दिल्ली में जाकर देना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ हो सकता है। मतलब मैंने कभी पढ़ा था पहले कि कहीं नोटिफिकेशन में। ओके, तो एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे को हमेशा दिक्कत होती है एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर। 1500-1200 ऐसे करके पेज फीस देना पड़ता है। जैसे कि अब बिहार टेट का फॉर्म फिलअप किया, तो वहाँ पर शायद 1500 के आसपास लागे, ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। बाय द वे तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि यार ओनली 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखो अब सिलेबस के बारे में देख लो, तो क्या बोल रहा है कि DTPLSB विल कंडक्ट वन टायर एग्जामिनेशन, दैट इज टायर वन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दी एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टायर वन इज गिवन बिलो। वाओ, मतलब इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा क्या? शायद नहीं होगा, देखते देखिए। अच्छी बात है भाई, फिर तो मैंने सोच रहा था, मैंने बता रहा था ना, एक वीडियो बनाया था कि यार BPSC हमारे ऐसे एक वन टायर एग्जामिनेशन था, और इसको जिन जिन ने मिस किया है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। अब यहाँ पर भी देखो वन टायर एग्जामिनेशन है, तो हो सकता है कि किसी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से आ गया है। आप इसे चाहो तो मतलब हो कैच कर सको तो कैच कर लो, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो तो हम देख लेते हैं एग्ज़ाम कोड जो भी है, यह एग्ज़ाम ड्यूरेशन मतलब 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा आपका। टोटल क्वेश्चंस होगा 300, MCQ क्वेश्चंस होगा, टोटल मार्क्स होगा 300। वाओ, मतलब 300 क्वेश्चंस करना पड़ेगा भाई 3 आवर्स में, ठीक है, मतलब एक घंटे में 100 क्वेश्चंस। अच्छा, तो फिर एक क्वेश्चंस के हिसाब से अगर लगाइए तो कितना मिलेगा आपको, टाइम कितना मिल रहा है? देखो 300 मतलब कितना मिनट्स है, 180 मिनट्स है, ठीक ना। और आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा कितना, 300 क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैंने किया ठीक, सही किया क्या मैथ? तो ये बात है भाई, 300 मिनट तो नहीं मिल रहा ना, तो 1 मिनट तो नहीं मिलेगा फिर यहाँ पर, तो 1 हो जा रहा है, मतलब कुछ गलत किया है। तो देखो इसको करते हैं, 300 क्वेश्चंस है, तो मान लो आपका घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर तो घंटे में यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो 100 क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन 60 मिनट्स, तो 1 क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाई 60 बाई 100, तो ये रहा 6.6, तो 0.6 मिनट, मतलब क्या होगा 0.6 मिनट का, मतलब क्या होगा भाई ये, हाँ 0.6 मिनट का एक क्वेश्चन आपको 0.6 मिनट में सॉल्व करना है, मतलब क्या है? अच्छा, तो अगर सेकंड्स में हम कन्वर्ट कर लिए तो देखो, हाँ 60 सेकंड सही तो ना, तो हाँ 1 मिनट, तो 0.6 सेकंड, मतलब क्या है 0.6 सेकंड से आपको काम कैसे कंप्लीट करेंगे, मतलब 6 सेकंड में क्वेश्चंस, नहीं ऐसे कैसे हो सकता भाई? तो इसको देखना पड़ेगा अलग से, चलो अभी नहीं आ रहा है मैथ, इतना मतलब वीक हूँ मैथ में, पता नहीं यार, आप बता सकते हो कमेंट में। चलो तो देखो एग्ज़ाम में क्या क्या रहने वाला है देख लेते हैं, कि टोटल मार्क्स, डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्ट तो नहीं होगा, तो सारे MCQ का टाइप का क्वेश्चन होगा। सिलेबस देख लेते हैं, देखो सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा, बस इतना ही सेक्शन है। सेक्शन 1 में क्या रहेगा, देखो सेक्शन 1 में आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आप एक कॉमन पेपर प्रिपेयर कर लो, आप जिस एग्ज़ाम में बैठोगे चांस रहेगा कि आप पहले बार में ही निकाल लो, ठीक है, ये मैं बोलता आ रहा हूँ पहले वीडियो से, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और देख रहा हूँ यहाँ पर भी है, जैसे कि हमारे इसमें था मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, देन जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड हिंदी लैंग्वेज, तो ये तो कम शायद होता है क्या, नहीं यहाँ पर भी मार्क्स शायद काउंट होगा, देखो 20 मार्क्स ईच बोला है, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ये सारे, तो ये टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। तो सेक्शन 1 आपका 100 मार्क्स का हो गया,
सेक्शन वन आपका 100 मार्क्स हो गया और सेक्शन टू जो होगा वो आई थिंक एमसीक्यू पार्टनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दी पोस्ट। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा जो कि 200 क्वेश्चन टोटल रहेगा। ये हो गया आपका टोटल 300 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इन द। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आएगा, बहुत ईजी पैटर्न है, मतलब समझना इतना दिक्कत वाली बात नहीं है कि टायर वन ओनली वन टायर एग्जामिनेशन होगा जहाँ पर 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 300 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर जो होती है मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश हिंदी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सारे, मतलब 5 पार्ट्स आपका टोटल है और एक एक पार्ट में 20 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। और बाकी आपका सब्जेक्ट के ऊपर 200 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बायलिंगुअल दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स व्हिच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न्ड ओनली। तो हिंदी के लिए आपको सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन बनेंगे, ये तो आपको पता है। नाउ डी ट्रिपल्स बी रिजर्व द राइट टू चेंज और अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड। तो ये सारे तो होते नहीं है, यूजुअली यहीं पर लिखा रहता है। आप देखो एक चीज़ देखना होगा कि नेगेटिव मार्क के बारे में क्या बोलता है। तो द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पैरा 4 और पैरा 6 बिलो। अच्छा, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया हुआ है, बट उससे क्या मतलब, आपको काट ऑफ मीट करना होगा, ठीक है। तो ये है और क्या है, देखो यहाँ पे बोल रहे इवैल्यूएशन ऑफ टायर वन एग्जामिनेशन विल अंडरटेकन बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी। हाँ, तो दोनों का ही मार्क्स आपका लिया जाएगा। और ये देखो दैट डी ट्रिपल एस रिजर्व द राइट, ओके, तो ये तो ठीक है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस आंसर। तो आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस होगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपको 0 तो मिलेगा ही, साथ में एक माइनस हो जाएगा। द स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अगर आपका जिस भी पोस्ट में आपका एप्लीकेबल होगा, तो टीचिंग के लिए तो नहीं है। देखो अब पोस्ट प्रेफरेंस ये सर हम बाद में देख लेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन मार्क्स स्कोर बाई हाई ऑप्ट कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज्ड। अच्छा, इफ रिक्वायर्ड, तो स्कोर आपका नॉर्मलाइज्ड होगा, देन आपका सिलेक्शन जो होगा आपका मेरिट बनेगा, फिर आपका होगा। तो ये सर हम बाद में भी पता चल जाएगा, वो देखने की जरूरत नहीं। चलो आप बस प्रिपेयर में करो। तो हम देख लिया कि टायर वन एग्जामिनेशन है, क्या सिलेबस है और फीस कितना है और नेगेटिव मार्क कितना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेकर मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, ओके। तो बाद में रेफरेंस के तौर पर हम यूज़ कर पाएंगे, PDF को बार बार डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये बात है, हमने देख लिया फीस बहुत ही नॉमिनल है, ना के बराबर, 100 रुपीज़ है ओनली, ठीक है। अब देखो रिजर्वेशन बेनिफिट्स, तो क्या बोले कि द कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन एनी लेटर स्टेज। अच्छा, रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू दी STOBC। तो रिजर्वेशन बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको फॉर्म फिलअप के टाइम दिख जाएगा। अब देखो द बोर्ड मेक्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन परसुएंस ऑफ द वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय द कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट्स। तो ये सारे तो ठीक है, ऑफिशियल बातें, चलो छोड़ो। आप ओनली फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन OBC। OBT सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी ड्यूली नोटिफाइड एज OBC बाय GNCT ऑफ दिल्ली। दिस सर्टिफिकेट शुड बी मैंडेटरी बीन इशूड ऑन द बेसिस ऑफ OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली टू अ फैमिली मेंबर ऑफ दी। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा क्या दिल्ली का रेसिडेंट का ही है, क्या क्या बोल रहा है, ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा इसको अलग से, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा OBC के लिए 3 ईयर्स है, बाकी देखो SC ST के लिए 5 ईयर्स है, EY EWS के लिए 10 ईयर्स है। UR के लिए 10 ईयर्स, SC ST क्या बोल रही है, सॉरी PWBD प्लस UR अगर है और EBS है, मतलब जो भी है, तो 10 ईयर्स होगा। ऐसे दोनों का, दोनों के लिए ही आपका जो है मिल रहा है, ऐसे बता सकते हो कि अगर PWD भी है और OBC भी है तो आपको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसे कुछ। तो आप देख लेना जिसका जो कैटेगरी है उसको ज़्यादा पता होगा, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पर हमने देख लिया, अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी है ये कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है अभी, सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जान ली, लास्ट डेट जान ली, एप्लीकेशन फ़ी जान ली, एग्जामिनेशन स्कीम जान ली, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जान ली। अब बस फॉर्म फिलअप कर दो और पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है, क्योंकि हर कोई एलिजिबल है।
बट एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर पड़ेगा वो मेरे को नहीं पता चला। मैंने जो बता रहा था कि शायद दिल्ली में जाकर वहाँ पर एग्ज़ाम देकर आना है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिला। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर शायद होगा, ये बार आप क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर लग रहा है कि वही एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट द बोर्ड मेक्स द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अकॉर्डिंग वैकेंसी रिपोर्टेड। ये तो ठीक है भाई, इंप्लीमेंटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी टी रिजर्व द राइट हाले। हाँ, द सेंटर्स फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी दिल्ली NCR ओनली। देखो दिल्ली और NCR यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो भाई, स्किप कर गया था, देखिए जो सारे कुछ दिया हुआ है हम पढ़ते नहीं है अच्छे से। तो सिर्फ और आपका एग्ज़ाम जो होगा दिल्ली या फिर नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली में जाकर आपको एग्ज़ाम देकर आना है ना, ये बात है। क्या हम दिल्ली जा पाएंगे, ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं, हम फिलहाल के लिए फॉर्म फिलअप तो कर देंगे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप बहुत नॉमिनल है और एलिजिबल भी हूँ। तो देखेंगे जब एग्ज़ाम की डेट आएंगे तब देखेंगे कि जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना सारे पेमेंट करके तो है ना, कितना पैसा खर्च हो रहा है, मतलब एक एक फॉर्म भरने के लिए 1500, जैसे कि EMRS में दिया था, BPSC में लगभग आई थिंक 1000 रुपीज़ लगे थे, तो ये सारे लगते थे। यहाँ पर इतना नॉमिनल है तो फॉर्म तो भरना बनता है, ठीक है। तो फॉर्म भर देना, अभी भर देना, फिर बाद में डिसाइड करना कि आपको जाना है कि नहीं। और नेटवर्क थोड़ा कोशिश करना कि कुछ नेटवर्क बना लेना, मतलब अगर कुछ कोई है दोस्त वगैरह फिर उसके थ्रू आप जा सको तो अब से स्टार्ट करना वो नेटवर्क बनाना, तो फिर आप हो सके तो एग्ज़ाम देकर आना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे। एंड इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।